बताओ, हर कोई कैसे चल रही है कंपार्टमेंट की तैयारी? डेली रूटीन कैसा चल रहा है? क्या क्या कर रहे हो? मैं थोड़ा सा अनम्यूट करने का अलाउ कर दूं क्या आज सबको? एक एक करके अनम्यूट करना, अलाउ कर दिया। किसी को कुछ बोलना है? कैसा चल रहा है? कहाँ से कुछ कर रहे हो तैयारी? डेली रूटीन, कोई फ्रस्ट्रेशन टेंशन किसी को, कोई बात का? हेलो भैया, आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ जी, भैया, मुझे क्वेश्चन था कि कौन कौन से कॉलेजेस में अभी अप्लाई कर देना चाहिए जहाँ पे कंपार्टमेंट का मतलब अपडेटेड मार्क्स रखेंगे। लाइक बहुत से कॉलेजेस में तो ये लाइक नहीं करते वो लोग कि बाद में अपडेट जी करेंगे तो वो मार्क्स देंगे, वही क्वेश्चन था। जेई मेन अपेयर है? नहीं, मैं नहीं दे पाया था जेई मेन इस बार। ओके ओके, मैंने VIT का एग्जाम दिया था और कॉमेट के एग्जाम दे रहा हूँ नेक्स्ट, बट बाकी नहीं पता कि कौन कौन से अप्लाई करने चाहिए। अच्छा, कहाँ से हो? मैं वेस्ट बंगाल। ओके, मतलब अगर ऐसा है कि तुम कहीं पे भी पढ़ने से चलेगा, तो मेरे कुछ कनेक्शन से नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस में, तो अगर डायरेक्ट एडमिशन करवाना चाहो मार्क के बेसिस में, सो यू कैन मैसेज मी पर्सनली ऑन टेलीग्राम। ओके, मैंने किया था मैसेज आपको यही मैंने क्वेश्चन आपने। मैंने हाँ किया है क्या रिप्लाई? नहीं, आपने देखा नहीं था शायद, बहुत मैसेजेस थे तो आपका वराग, मेरा मैसेज। ओके, मतलब एक बार तो मैंने किया है ना शायद। हाँ, आपका हाँ, मैसेज एक बार देखा। किया था। हाँ पराग नाम है ना? हाँ हाँ कौन हाँ से कॉलेजेस में? ओके, तो एक काम करो, अभी कंपार्टमेंट खत्म हो जाने दो, फिर मुझे एक बार फिर से मैसेज करना, बोल देना कि ओके भैया कॉलेज एडमिशन के लिए चाहिए, तो डायरेक्ट मैं आपका करवा दूंगा। ओके भैया, मतलब तब ठीक तक रहेगा ना, मतलब फॉर्म्स वगैरह हाँ की हाँ मतलब अभी भी अगर आपको चाहिए एडमिशन फॉर्म। तो बोल देना। कौन सा ब्रांच चाहिए? बीटेक करना है? हाँ, कौन सा ब्रांच चाहिए? बीटेक CSE। सीएसई चाहिए? ठीक है, फिर हाँ, आप कल मॉर्निंग टाइम में कॉल करता हूँ आपको, ओके ठीक है? तो फिर करवा देंगे आपका, अभी से प्रोसेस करके करवा लेंगे। ठीक, ओके भैया, ठीक है। आप कब कॉल करोगे तो तब मैं फ्री हो मैं कल जाऊंगा। मॉर्निंग में करूँगा, 10-11-12 के मॉर्निंग में? आसपास। ओके 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 भैया, अच्छा हाँ ठीक थैंक यू है, भैया। ओके, वेलकम। हेलो हेलो, ये कौन है? भैया, मैं तन्मय सिंह हूँ। हाँ हाँ तन्मय, बोलो। भैया, मैंने अभी साल 12th दिया था तो मेरी मैथ्स में कंपार्टमेंट आई है। तो भैया, मैंने जनवरी में जेई मेंस भी दिया था, उसमें मेरी 95 या 96% थी। ओके, तो भैया, मैं ये कह रहा था कि अगर मैं कंपार्टमेंट का जस्ट पास भी या तो 28 भी लाता हूँ तो मेरी 75 से ज्यादा बन जाएगी हाँ परसेंटेज। तो भैया, तब तक जेई मेंस वाले काउंसलिंग वगैरह खुली रहेगी क्या कंपार्टमेंट के लिए? हाँ रिजल्ट आएगा ना, तो जोसा का काउंसलिंग तो आपका एडवांस के रिजल्ट के बाद शुरू हो जाएगा, ओके। है ना? तब तक राउंड आपका चला गया होगा, एक दो राउंड चला गया होगा, छः छः राउंड्स होते हैं टोटल। नहीं भैया, मैं ये पूछ रहा था, जैसे जैसे 6 राउंड्स होते हैं तो मगर वो लोग ना डॉक्यूमेंट्स पहले वेरिफिकेशन करवा लेते हाँ, हैं। डॉक्यूमेंट पहले वो वेरिफिकेशन हो जाते हैं, वो तब तक रुकते नहीं है, वो जेई मेन का वही दिक्कत है, दे डोंट वेट लास्ट मोमेंट तक। अच्छा हाँ, तो उसी का दिक्कत है, एक बार वेरिफिकेशन सेंटर में जाके तुम्हें बात करने से बेटर रहेगा। कौन से स्टेट से हो? भैया, मैं हूँ यूपी। यूपी से ना? जगह, रामपुर डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट रामपुर ही है। हाँ रामपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, तो रामपुर डिस्ट्रिक्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होता है? एनी आइडिया? भैया, DM ऑफिस के पास ही होता है, मैंने वहां से वो भी करवाया था, आधार कार्ड वगैरह। अच्छा, तो उसी के पास जाके एक बार पता कर लो कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है, वो इंतज़ार करेंगे क्या, मतलब वेटिंग होता है क्या, तो फिर वो बता पाएंगे, क्योंकि ओके किसी किसी जगह पे लोकल कनेक्शन होता है ना, तो हो जाता है ये सब चीज़ें, मतलब नेशनल पे ऐसे बताना वो सही नहीं समझते, बट इंटरनली हो जाते हैं चीज़ें। ओके, तो भैया वहां पे जाके ये पता कर सकते हैं कि कंपार्टमेंट का रिजल्ट दे सकते हैं या पास वाले ही देंगे, क्योंकि
भैया पास वाला तो मुझे लगता है अगस्त में आएगा, अगर आएगा भी तो हाँ तब तक रिजल्ट आ जाएगा, हम अगस्त के पार्टनर। फर्स्ट वीक में, अगस्त के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। तो भैया जब तक दोसा काउंसलिंग चलेगी, अगर हाँ सबमिट भी हो गए तो। काउंसलिंग चल रही होगी। अच्छा, हाँ और भैया जैसे अगर उन्होंने बोल दिया तो क्या वो कंपार्टमेंट वाला ही रिजल्ट लेंगे मेरा पहले, क्योंकि पैरेलल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगी जब। हाँ पहले जब होगी तो उससे पहले वाले डॉक्यूमेंट लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा तो फिर वहां पे हो जाएगा। ओके, हाँ जी तो भैया मुझे पता वैसे कहाँ करना पड़ेगा, आपको कुछ स्पेसिफिक पता है, जैसे रामपुर में या कहीं भी जाके। रामपुर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ होता है उस जगह पे होते हैं जो ऑफिशियल्स होते हैं। ओके, तो वो जोसा हाँ काउंसलिंग के बारे में बता देंगे। हाँ जोसा काउंसलिंग के बारे में बता देंगे क्योंकि जेई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना। अच्छा, हाँ तो वो बता देंगे, ओके एक बार पूछ के देखना, वरना फिर मैं पता करता हूँ अपने तरफ से। ओके यूपी भैया। रामपुर ना। हाँ ठीक है हाँ भैया, थैंक ओके। यू। हेलो जैसे मेरा। हेलो हाँ सर, जी कौन है। हाँ जो अभी थर्ड थर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम होगा हाँ तो उसकी जो मार्कशीट आएगी वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो उसकी मार्कशीट आएगी, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा या वो खुद आ जाएगी, मार्कशीट खुद आ जाएगी। घर पर आएगी ना या सेंटर पर जहां पर सेंटर गया होगा? ये आपके सेंटर पे आ जाएगी, आपको सेंटर से कलेक्ट करना पड़ेगा। सर ये जो सेकंड कंपार्टमेंट एग्जाम दिया था हाँ मैंने अभी दिया था तो हाँ उसकी मार्कशीट भी सेंटर पर आई आई हुई होगी, चाहे वो प्राइवेट पास हुआ हो या नहीं हुआ हो। प्राइवेट कैंडिडेट है क्या। यस सर, हाँ प्राइवेट कैंडिडेट का सेंटर पे आ जाता है। तो सर मेरे को अभी कंपार्टमेंट एग्जाम देना है थर्ड, तो थर्ड ओके okay. कंपार्टमेंट एग्जाम तो सेकंड टाइम ही प्राइवेट कैंडिडेट की तरह ही होता है ना, तो वो भी आ जाएगी सेंटर पर ही। हाँ, वो भी सेंटर पर ही आ जाएगी। सर उस पर साइन वाइन करवाने होते हैं प्रिंसिपल के? हाँ अटेस्ट करवाने होते हैं एडमिशन से पहले अपने स्कूल प्रिंसिपल से, अपने स्कूल प्रिंसिपल के या फिर सेंटर वाले के? अपने स्कूल प्रिंसिपल के। और सर वो कम कम वो प्राइवेट कैंडिडेट की जो मार्कशीट आती है, मेरा एक में हुआ है ये जो प्राइवेट वाला है, तो हाँ सारे सब्जेक्ट्स की कंबाइन होके आती है ना, हाँ सारे सब्जेक्ट की कंबाइन होके आती है। हाँ तो वो सारे सब्जेक्ट भी एज अ प्राइवेट में ही आ जाते हैं फिर? नहीं पुराना वाला होगा ना, तो आप एडमिशन लेते टाइम वहां पे शो कर सकते हो कि आपने अपियर करा था इस सब्जेक्ट में और ये सारे प्राइवेट वाले थे। दोनों मार्कशीट लेके चले जाना एडमिशन के टाइम, तो दैट विल बी बेटर। क्या एडमिशन करवाना चाहते हो उसके जो बाद। सर मेरा अभी नीट हुआ है ओके हाँ, तो तो फिर पता नहीं मैम, फिर तो जब वो सही ये काउंसलिंग सारी शुरू होगा। पेपर भी सही गया था, पता ओके नहीं है हाँ कैसे दोबारा से आरटी लग गया केमिस्ट्री में, तो अब दोबारा थर्ड चांस देना है। ओके ओके समझ रहा हूँ। यस सर, ओके तो सर हो हेलो। जाएगा ना कि ये वो कंपार्टमेंट मार्कशीट सारी कंबाइंड होके आ जाएंगी ना ये? हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखा सकते हो, एडमिशन हो जाएगा। सर जब एडमिशन होगा कॉलेज में तो मैंने जैसे अपने मेन क्लास 12th किया था 2022 में, तो ओके वो हाँ, मार्कशीट भी दिखानी पड़ेगी? वो मार्कशीट भी दिखानी पड़ेगी ना। ओके सर, बस यही पूछना था। ओके हेलो। ओके थैंक यू सर। हाँ हाँ हेलो। हेलो भैया। हाँ कौन बोल हेलो रहा है। भैया, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। हाँ भैया मैंने ना अप्रैल वाला जेई दिया था ना, तो हाँ मेरा 73% आया था उसमें, ओके और मेरे रिजल्ट में तो वैसे पास दिख रहा है, बट केमिस्ट्री में मेरा आरटी लग गया है। ओके हाँ तो भैया फिर मतलब कि मैं सोच रहा हूँ कि इस बार कंपार्ट दे के एक बार इम्प्रूवमेंट दे दूँ या कि मतलब कि ड्रॉप आउट ले लूँ। वैसे मुझे बीटेक के लिए मैंने बात तो किया था जीएल बजाज में, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। ओके तो वो लोग कह रहे हैं कि बेटा तुमको सीएस तो नहीं मिल पाएगा लेकिन ईसी हम लोग दे देंगे कंपार्टमेंटल के देने के बाद भी। ओके हाँ बट मुझे बीटेक सीएस से चाहिए था। बीटेक सी से चाहिए। ठीक है, मुझे हाँ मैसेज किया है तुमने। नहीं वैसे अभी मैंने आपको मैसेज तो नहीं किया है। ओके
तो भैया आप बता देते, मैं आपको ऐसे मैसेज करता। टेलीग्राम पे मैसेज कर दो एडमिशन वगैरह अपना नाम बता के, तो फिर बाकी अच्छा, एडमिशन में देख लूंगा आपका। तो भैया मैं कह रहा हूँ किस साल ड्रॉप आउट ले लूँ या मतलब कंपार्ट दे के ईसी ले लूँ। कंपार्ट तुम्हारा कौन से सब्जेक्ट में है अभी? कंपार्टमेंट केमिस्ट्री केमिस्ट्री में आया है। में है ना? ओके, नहीं, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा तो फिर सीएस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। वैसे बोल तो रहे थे कि सीएस का बेटा कम चांस है कि कंपार्टमेंटल वाले को हम लोग देते नहीं है। हाँ तो उसी कॉलेज में है हाँ ना, दूसरा कॉलेज भी अगर आपको चलेगा तो फिर हो जाएगा। अच्छा। नहीं भैया, वैसे जहाँ मैं रहता हूँ ना नोएडा में, तो वहाँ से हाँ जेल हाँ बजाज मतलब कि मेरे पास पड़ता है, और वो मतलब कि एनसीआर का बेस्ट कॉलेज है। हाँ, ओके, देखो तो मैं सोच अगर रहा था कि तुम्हें उसी में। उसी कॉलेज में चाहिए तो फिर वो अगर इस साल मना कर रहे हैं तो यू कैन गो फॉर ईसी। फिर ब्रांच चेंज का तो पॉलिसी जानते हो, अगर ब्रांच चेंज करवाना चाहे तो करवा सकते हो, बट अगर ऐसा है कि नहीं ब्रांच चेंज नहीं करवाना, सीएसई ही चाहिए, तो फिर एक साल रुक जाए, और रुक जाके तुम अगले साल कर सकते हो सीएस से। हाँ अच्छा, तो वैसे भैया अगर आपके कोई नजर में कोई कॉलेज वॉलेज तो बता देते हैं। हाँ उधर नॉर्थ इंडिया में ही है, दिल्ली, पंजाब, फिर हरियाणा, हाँ, क्योंकि मैं एनसीआर में ही रहता हूँ ना, नोएडा में। नोएडा में रहते हो ना? दिल्ली में, दिल्ली, देहरादून तो दूर पड़ जाएगा ना थोड़ा। हाँ भैया, वो तो दूर पड़ जाएगा। अच्छा, दिल्ली एनसीआर में, ठीक है, गुड़गांव हाँ वगैरह हुआ तो दिल्ली में हुआ कुछ देख लेते हैं। ठीक हाँ भैया, ठीक है, तो आप मुझे बता देना। सर है, ओके। कोई पूछ रहा है चैट एक्चुअली में? मेरा एक सेकेंड, क्या भैया, चैट में कोई पूछ रहा है भाई एसआरएम चेन्नई में एडमिशन हो सकता है क्या? एसआरएम चेन्नई में डायरेक्ट एडमिशन तो नहीं होता, शायद कोई दूसरे ब्रांच में तो चाहो तो हो सकता है, चेन्नई में ऐसे नहीं होता, उनका एसआरएम जी देना पड़ता है, फिर उस हिसाब से होता है। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? शुभम। एक्चुअली मेरा 3 सब्जेक्ट में वो आ गया है, 3 सब्जेक्ट में आरटी। हाँ, जैसे मैं YouTube वगैरह पर सर्च किया तो उसमें ये था कि मैं 2 सब्जेक्ट से इम्प्रूवमेंट दे दूं और 1 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे दूं, तो ऐसे में पास के थ्रू। ऐसे होता नहीं है ऐसा, जनरली मैंने जितना देखा था अगर 2 से ज्यादा कंपार्टमेंट है तो आपको अगले साल पूरा सब्जेक्ट देना पड़ता है। लेकिन सर वो ऐसा दिख रहा है एक्चुअली, और मैं सीबीएसई के रूल्स में भी कोई चेस दिख नहीं रहा एक्चुअली, अच्छा, तीन तो आप एक कंपार्टमेंट बार देख वाला, लीजिए। मैं एक बार देख के बताता हूँ, एक बार मुझे रिमाइंड कर देना मैसेज में। ओके सर, जैसे एक और चीज था, जैसे मेरा कंप्यूटर अगर निकल गया तो मैं कंपार्टमेंट दे सकता हूँ सीबीएसई के थ्रू। कंप्यूटर अगर निकल गया तो सीबीएसई के थ्रू कंपार्टमेंट, मतलब समझा नहीं। कंपार्टमेंट मतलब जैसे मेरा कंप्यूटर में 70 मार्क्स है, तो हाँ मेरे हाँ री वेरिफिकेशन में तो डाला है, तो अगर मेरा ओके, कंप्यूटर में मैं 23 आ गया तो हाँ पास हो मैं जाते हो तो दे सकते हो। यस यस, दिस इज पॉसिबल। अगर सच तुम में। दो सब्जेक्ट में अगर कंपार्टमेंट रह जाता है तो एक में तुम अभी दे सकते हो, दूसरा तुम्हें नेक्स्ट ईयर बोर्ड के साथ देना पड़ेगा। सर एक में इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकता फिर? नहीं तो नहीं, सीबीएसई का रूल यह है ना कि तुम ए अगर दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट में, एक कंपार्टमेंट इसी साल, दूसरा कंपार्टमेंट दूसरे नेक्स्ट ईयर बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ, 12th में हो ना? यस सर, हाँ, 12th का यही रूल है, 10th में दो कंपार्टमेंट एक साथ दे सकते हो। अरे तो सर जैसे उसमें एक एक कंपार्टमेंट अगले साल देंगे तो उसका वो अलग से आएगा? हाँ, उसका अलग से आएगा। अरे तो सर वो फिर इश्यू हो जाएगा ना वो तो। इशू मतलब एडमिशन में वही दिक्कत हो जाएगा ना, अब 3 सब्जेक्ट है, उसने तो सीबीएसई ने वही स्कीम करा हुआ है अभी कि एक सब्जेक्ट में है तो अभी दे दो, पास हो जाओ, दो में है तो एक अभी, तो दूसरा नेक्स्ट ईयर, दो, तीन या तीन से ज्यादा है तो अगले साल सारा दो। अच्छा, तो जैसे जैसे मैं एमबीए का सोचा हूँ आगे जाके, अब तो मैं एनआईयू से दूंगा तो फिर इशू हो जाएगा ना? हाँ, यानी उससे किसी किसी जगह पे इशू होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्लानिंग फॉर IIM एंड ऑल, तो वहां से फिर नहीं हो पाएगा। तो सब एलिजिबल तो रहता है एनआईयूएस उसमें, लेकिन NIS? NIOS एलिजिबल तो रहता है कैट में, लेकिन एम वगैरह में इश्यू हो जाएगा, ऐसा क्यों? नहीं, IIM में थोड़ा सा इशू होता है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे परसेंटाइल वगैरह लेते हैं ना,
एनआईएस को कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर परसेंटाइल का इशू हो जाएगा तुम्हें। कैट में तुम क्वालिफाई कर लोगे, फिर जब 12th का बैकग्राउंड चेक करेंगे तो तुम्हारे ऊपर तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे ना। यू नीड टू क्वालिफाई एंड सिक्योर इन दैट टॉप 99.9 में गेम होता है वहां पे। हाँ अच्छा जैसे ओके सर समझ गया। हाँ अगर जी मैं कैट में अच्छा परफॉर्म करूँ तो ये परसेंटाइल ये एनआईएस का कोई इश्यू नहीं होगा ना? हाँ, उस टाइम भी कोई इशू नहीं होता, वो हो जाएगा। फिर एनआईएस में आपको भी अच्छा करना पड़ेगा, 1 महीने में फिर सारे देने होंगे। 3 दिन है ना बस में। हाँ, वही 3 दिन है। ओके तो सर जैसे आपके ध्यान में जैसे कोई दिल्ली का कोई है क्या ठीक ठीक का कॉलेज जैसे बीबीए या बीकॉम करने के लिए थोड़ा सस्ते में जैसे 2-2.5 लाख क्या फीस क्या बोल हो रहे हो, फिर से बताना। तो जैसे बीकॉम या बीबीए करने के लिए कोई दिल्ली का कोई कॉलेज है क्या आपके पहचान में जैसे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए इस साल? डायरेक्ट एडमिशन तो मिल जाएगा, क्या कोर्स करवाना है? बीकॉम या बीबीए वगैरह। बीकॉम बीबीए। ओके, जो फी स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल, उसी फी स्ट्रक्चर के आसपास हो जाएगा। अच्छा जैसे हाँ, एवरेज कॉस्ट होगी 3 साल की? एवरेज कॉस्ट बीकॉम का ना, अच्छा बीकॉम का अराउंड कितना था, 80,000 शायद, 70-80,000। सच में सस्ते में लेकिन हाँ हो जाएगा, 70-80,000 एक साल का, तो फिर टोटल। कंपार्टमेंट लेकिन एनआईयूएस से पास करूं तभी हो पाएगा। ओके एनआईएस से पास करो तभी हो पाएगा। विद कंपार्टमेंट में पता करके बताता हूँ, वरना फिर कंपार्टमेंट के साथ भी हो जाता है। अच्छा तो कंपार्टमेंट तो मतलब वैसे पास नहीं होता है ना, आप अगले सब्जेक्ट का निकाल लोगे अगले साल, लेकिन वो उसकी मार्कशीट पिछले साल की नहीं आती, नए नए साल की आएगी मार्कशीट, नए ट्वेंटी साल थ्री की की आ आएगी, जाएगी। ट्वेंटी हाँ, फोर की। तो सर वो तो आई एम वगैरह इशू हो जाएगा सर, कॉलेज जाऊंगा तो एनआईयूएस ही करना पड़ेगा ना फिर मतलब। हाँ ओके कॉलेज चाहिए तो तो सर बताना, जैसे आप मैसेज करना, मैं अभी रिलीज करूंगा कल परसों में वीडियो। एनआईयूएस का नहीं, एनआईएस का तो करूंगा, साथ में जो कॉलेज का काफी लोगों को दिक्कत हो रहा है, टेंशन में है कि कंपार्टमेंट है तो फिर कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ पे करें, तो वो हो जाएगा। बीकॉम करना है, बीबीए जाएगा। करना है, बीटेक करना है, कुछ भी। ओके सर। और सर जैसे एक लास्ट क्वेश्चन था, जैसे कुछ भी दो सब्जेक्ट में नहीं दे सकते अपन, एक में इम्प्रूवमेंट दे दिया और एक में वो दे दिए क्या बोलते हैं कंपार्टमेंट, तो भी नहीं बताएगा दो सब्जेक्ट से पास सीबीएसई में। जैसे कंप्यूटर समझा नहीं, फिर से बताना। निकल गया मेरा 23 आ हाँ गया, हाँ तो फिजिक्स में मैं कंपार्टमेंट दे दूं और केमिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट दे दूं वो नहीं हो पाएगा? वो तो अभी के लिए जितना मुझे पता है यार, ऐसा नहीं होता। दो सब्जेक्ट में अगर है तो फिर तुम्हें एक इस साल, दूसरा नेक्स्ट ईयर देना पड़ता है। तो सर इम्प्रूवमेंट का रूल ये है कि आपको पास होना पड़ेगा तभी इम्प्रूवमेंट दे पाओगे? हाँ, इम्प्रूवमेंट का यही रूल था कि सारे सब्जेक्ट में एक बार पास हो जाओगे तभी इम्प्रूवमेंट दे पाओगे। सर एक बार ना आपको सर चेक करना पड़ेगा ये चीज, क्योंकि मैंने एकदम अच्छे से देखा दिन में बैठ के, तो वो नहीं हो नहीं था ओके ऐसा कोई ठीक है, मैं रूल। चेक करता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, उसका मैंने फॉर्म भरा था, तो वो वेस्ट बंगाल से था, दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट था, फिजिक्स सॉरी मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो फिर उससे का वही दिक्कत हुआ, इस साल एक दिया रेगुलर स्टूडेंट में, फिर नेक्स्ट ईयर। ओके और सर जैसे मेरा UGEE जो है ना IIIT हैदराबाद के लिए जो होता है ना हाँ UGEE, उसका हाँ इंटरव्यू क्वालिफाई हो ओके गया, ओके ओके तो उसमें ये था कि जून तक जैसे आपको पास करना था, तो अगर मैं इंटरव्यू के लिए जाऊं भी तो भी वो हाँ क्वालिफाई नहीं, तो भी वो इश्यू ये जा रहा है कि तब भी वो लोग एनआईयूएस को एक्सेप्ट तो कर लेंगे लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही एनआईयूएस मेरा निकलेगा करके एकदम ऐसा हो गया है। एनआईएस का बताता हूँ मैं, नहीं क्यों नहीं निकलेगा, हो जाएगा, एनआईएस में हो ही जाता है यार। सर बहुत डिफिकल्ट, एक्चुअली पासिंग परसेंटेज 22 के अराउंड है बस। फिर भी काफी लोग करते हैं ना, तो कोशिश करो, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ओके तो सर जैसे ये लोग यूट्यूब वगैरह में कुछ लोग होते हैं जो 100% गारंटी देते हैं पास करा देंगे करके, तो हाँ, उनसे कर लूं नहीं तो फिर। वो तो मुझे पता नहीं यार, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, एक बार देख लूँ मैं तो फिर कंफर्म बता पाऊंगा। ओके और सर आपकी टेलीग्राम की आईडी? आईडी आकाश दास।
यार काफी तो उसमें वीडियो सर्च मैंने दे करूँ रखा क्या? है। तुम अच्छा नया नया देख रहे हो क्या चैनल एंड ऑल? अच्छा यस सर। आकाश दास, AKSHDSH सर्च करो, आ जाएगा पर्सनल आईडी। ओके सर, AKASHDSH। और सर लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे अगर मेरा ये इंटरव्यू क्वालिफाई भी हो चुका है, ठीक है, IIIT हैदराबाद, तो ओके NIOS से तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट करेंगे NIOS, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम तो मैंने CBSE का डाला था। तो वो कॉलेज से ही बात करना पड़ेगा, कॉलेज क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। कॉलेज का मतलब अलग अलग रूल्स होता है, तो उस हिसाब से कुछ तो सर जैसे कॉलेज आप ही पूछा नहीं, IIIT हैदराबाद वगैरह में। नहीं, वो सब तो नहीं है, अच्छा कॉलेज से ही पता कर लो एक बार। सर, डायरेक्टली कॉलेज को कॉल करो, पूछ लो वो क्या डिटेल बताते हैं, दो तीन लोगों को पूछ के कंफर्म करा लो कॉलेज से। हाँ ओके। अच्छा जैसे आप होते मेरी जगह, तो आप इंटरव्यू देने चाहते हैं IIIT हैदराबाद के ये सिचुएशन में, क्योंकि वो हैदराबाद जाके देना है एक्चुअली। अच्छा, कहाँ से हो तुम बोले? दिल्ली में? अच्छा, रायपुर छत्तीसगढ़। 36 से हो। हाँ तो अगर अच्छा कॉलेज है, कॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो जाता ऑब्वियसली। ओके, और ऑन डिमांड में जून जून में वो निकल जाता हो तो चार चले जाते हो। हाँ ओके सर, मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हूँ एक्चुअली ऑन डिमांड को लेके, क्योंकि 11th भी आते हो। हाँ 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 समझ रहा हूँ, सर कोई एक बात बार नहीं। एक कौन वीडियो सा? बना दीजिए। हाँ मैं वीडियो बना दूंगा, NIOS का वीडियो बना दूंगा, तो कब तक बना पाओगे आप? इसी हफ्ते बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके सर, प्लीज सर जल्दी फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लीज। फिजिक्स और केमिस्ट्री का ओके। मैथ्स तो चल रहा है फिलहाल अभी VIP का, तो फिर मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह डालने शुरू किया हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री का देखना पड़ेगा, आई विल ट्राई। ओके सर, NIOS के लिए बस वीडियो बना दीजिए कि कैसे होगा NIOS हाँ 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 NIOS का बन जाएगा। का। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, एंड फॉर इन्फॉर्मेशन। ओके ओके थैंक यू। हेलो सर। हेलो। हाँ हेलो सर। यस सर, देवर्ष। हाँ मैं बिहार से सर, देवर्ष कुमार। हाँ हाँ बोलो। सर मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा केमिस्ट्री में RT लग गया है, ओके तो सर मैं मतलब जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं एग्जाम देता हूँ कंपार्टमेंट का, तो उसमें जो रिजल्ट आएगा सर फाइनल में, तो उसमें कंपार्टमेंट लिखा हुआ रहेगा या मतलब नहीं जैसे नहीं नहीं नॉर्मल आता है वैसे? कंपार्टमेंट कुछ लिखा नहीं रहेगा, जैसे नॉर्मल आता है सर वैसे ही आएगा ना? पूरा नॉर्मल। हाँ और सर मैं जैसे बोल रहा था कि ये तो केमिस्ट्री में अगर मेरा RT लग गया है, तो मैं तो अगर अगर मैं ये कंपार्टमेंट नहीं देता तो मैं तो एलिजिबल नहीं था नीट के लिए। ओके सर। एलिजिबल नहीं होगे फिर। सर तो और मैं ये पूछ रहा था सर, केमिस्ट्री का वीडियोस ये सब कब आएगा? केमिस्ट्री का वीडियो आ जाएगा, मैथ्स का एक हफ्ता कंप्लीट हो जाए, मतलब ये वीकेंड हो जाए, मंडे ट्यूसडे तक केमिस्ट्री फिजिक्स शुरू करेंगे। ओके सर। सर और आपका ये टेलीग्राम आईडी पे आकाश दास करके जो है, उस पे मैं फॉलो किया हूँ, पर वहाँ हाँ पे हाँ सर मतलब कुछ मैसेज करने का ऑप्शन नहीं है। वहां पे नहीं, मेरा पर्सनल आईडी है आकाश दास, AKASHDSH। मैं लिंक यस सर, वहीं ना पे अच्छा, वहीं अरे पे मैं वो किया हूँ। मेरा ग्रुप ज्वाइन किए होगे ना तुम? एक्चुअली नहीं, एक ग्रुप आपका भी है। यूजर रुक नेम, जाओ एक सेकंड, रुक आकाश जाओ। बिल्कुल दास ED लगेगा अभी अभी लिंक कहाँ से ज्वाइन किया तुम लोगों ने ये बताओ? सर। लिंक तो मैं YouTube से ज्वाइन किया था। YouTube से? अभी नहीं, ये जो मीटिंग जूम मीटिंग का लिंक, ये सर मैं आपका ग्रुप से ज्वाइन किया हूँ, कौन सा ग्रुप? ये AD क्लासेस कंपार्टमेंट 2023। हाँ तो फिर उसी ग्रुप में ना मैं अपना लिंक डाल देता हूँ, जो पर्सनल आईडी में मैसेज करने का लिंक है ओके वो सर। मैं डाल देता हूँ, तो वहां से क्लिक करो वो आ जाएगा। ओके सर। नहीं, सर माय एक पर्स। लास्ट क्वेश्चन था हाँ जी। सर, वो मेरी एक टीचर से बात हुई थी, जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी थर्ड कंपार्टमेंट को लेकर, हाँ
तो सर उसमें वो टीचर बोल रहे थे कि जो थर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम होता है वो क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है, रेयर होता है, मतलब हो ही नहीं पाता हो तो ये वो। अरे तो जो पेपर चेक कर रहा है उसको थोड़ी बताएगी तुम्हारा फर्स्ट है या थर्ड है, सभी कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट ही है। और मुश्किल सर इसीलिए तो होता है, हाँ सुनो, मुश्किल इसीलिए होता है ना क्योंकि 2 बार 3 बार एग्जाम देने तक तब तक स्टूडेंट थक हार चुके होते हैं, तो फिर उनको मन नहीं करता और उतना तक पढ़ाई करने का, दैट्स द मेन रीजन, वरना फिर कोई इशू नहीं है पास होने में। और मैं तो कह रहा हूँ यार फर्स्ट कंपार्टमेंट ही बच्चे पास हो जाते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, तो वो हाँ सब सर, प्रॉब्लम बट नहीं है, हो जाएगा। सर वो बोल रहे थे कि चेकिंग में वो करते हैं वो लोग कि चेकिंग भी ठीक से नहीं करते, थर्ड कंपार्टमेंट क्लियर करना तो बहुत मुश्किल होता है, बस इस वजह से ये हुआ था। नहीं, ये सब डराने घबराने के लिए है। सर तो अगर मैं अच्छे से तैयारी करके बिल्कुल अच्छे से दूंगी तो हो जाएगा ना क्लियर मेरा बिल्कुल एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। और सर एक और डाउट था, उन सर ने एक और बात बोली थी मुझसे, मैंने उनसे पूछा था कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो वो बोल रहे थे कि जो अभी जुलाई में एग्जाम होने वाला है, कंपार्टमेंट एग्जाम जो होने वाला है प्राइवेट कैंडिडेट्स का भी, वो कह रहे थे कि जो प्राइवेट कैंडिडेट रहेंगे वो या तो पहले वाले ही रहेंगे या जो थर्ड प्राइवेट कैंडिडेट हैं वो ही रहेंगे, ये जो सेकंड वाले हैं ये नहीं रहेंगे। तुम्हारा तो थर्ड है ना अभी? मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। हाँ तो हो जाएगा तुम्हारा। नहीं वो बोल रहे थे कि जो प्राइवेट कैंडिडेट, वो कह रहे थे कि कुछ थर्ड वाले भी रहते हैं कि प्राइवेट कैंडिडेट थर्ड है, प्राइवेट कैंडिडेट फर्स्ट है, सेकंड है। ऐसा तो कुछ नहीं होता। और सर आज उनका वो टेक्स्ट आया मुझे, वो कह हाँ रहे कि मतलब मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया है सीबीएसई में कॉल करके, अब आप दे सकते हो, पता नहीं क्या हो रहा है वो। अरे तो टेंशन ना लो, मैं खुद बता रहा हूँ ना, दे सकते हैं, बच्चे हर साल देते हैं यार, 5 साल से कंपार्टमेंट दिलवा रहा हूँ। तो सर ये थर्ड एग्जाम क्लियर होते हैं ना बच्चों के? सर अरे बिल्कुल होते हैं भाई, जॉब कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स थर्ड कंपार्टमेंट देके। नहीं सर, उन सर ने मतलब बोला ऐसे कि मतलब बहुत ज्यादा वो हो गया कि पता नहीं होगा कि नहीं, थर्ड है ये वो। हाँ तो उन्होंने बोला अगर नहीं होगा, मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ ना कि हो जाएगा, मेरे बातों पे भरोसा क्यों नहीं है? नहीं सर, आपको मैंने बाद में टेलीग्राम पर टेक्स्ट किया था अभी, और हाँ आपने बोला कि हो जाएगा, आपने हो बोला जाएगा, कि थर्ड थर्ड अटेम्प्ट भी हो जाएगा। अटेम्प्ट भी हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा, पेपर चेकिंग भी हो जाएगी, सब हो जाएगी। ओके सर। सर हाँ फॉर्म्स कब तक आएंगे इसके? इसी हफ्ते आ जाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर। सर जो कंपार्टमेंट हाँ एग्जाम के फॉर्म आएंगे उनके साथ ही तो आते हैं इनके फॉर्म्स भी? हाँ इसी हफ्ते आने वाले हैं फॉर्म, आ जाएंगे, मैं बता दूंगा। सर आप अपडेट कर देना हाँ प्लीज। जी हाँ जी, मैं अपडेट कर दूंगा। सर मेरा टेलीग्राम आपके ऊपर वो है, आपकी आईडी पर रिया के नाम से, मैंने आपको टेक्स्ट भी किया था अभी टेलीग्राम पर, आप वहां पर कर रिया, देना है, यूट्यूब पर कर देना। ये जो RIA अभी था मैंने वो वाला, बोला था RIY है, बता रहे अभी मैंने आपको कोई। बोला था कि जूम जूम मीटिंग के लिए बोला था, फिर आपने दो लिंक डाला था अभी टेलीग्राम पर। ओके ओके, हाँ, मिल गया, ठीक है, यस सर सेकंड आप प्लीज प्राइवेट मुझे अपडेट कर कैंडिडेट, देना फॉर्म। ठीक है ठीक है, मैं तो ग्रुप में ही यस डाल सर, दूंगा, ग्रुप में अपडेट रहना सब लोग। यस सर फॉर्म्स आ गए हैं प्राइवेट कैंडिडेट के, आप अपडेट कर देना। हाँ जी हाँ जी, और थैंक यू सो मच। सर 100% श्योर ना कि इम्प्रूवमेंट दे सकते एक बार उस मेथड के थ्रू, मतलब कंपार्टमेंट दे दी एक एक सब्जेक्ट में और फिर एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देके निकाल लिया, ऐसा नहीं हो सकता ना? ऐसा तो नहीं देखा मैंने, क्योंकि इतने साल से यही सिस्टम चलते आ रहा है। 10th वालों के लिए होता है कि आप 2 कंपार्टमेंट दे सकते हो, 12th वालों के लिए एक एक कंपार्टमेंट दे सकते हो, एक आप अगले साल दे सकते हो। ओके सर, जैसे मैं पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा है कि दे सकते हैं, क्योंकि उसमें फेल्ड लिख देते तो डायरेक्ट कंपार्टमेंट नहीं लिखते इसलिए। मैं एक बार फिर से डबल कंफर्मेशन करवा लूंगा आज कल के अंदर, फिर मैं आपको कल तक वीडियो में अपडेट करता हूँ। आप कब तक बता पाऊंगे कंफर्म करके किसी से? कल तक बता रहा हूँ ना, कल परसों तक मैं बता दूंगा। ओके सर, ओके थैंक यू सर। सर ओके वेलकम। आई हैव अ क्वेश्चन। यस
सर मुझे मैं 12th में मैथ में आरटी लगा था मेरा, मुझे हाँ बीटेक सीएससी ब्रांच से करना था, बट ओके ओके जहाँ जहाँ से मुझे करना था वहाँ ना 15 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट है, तो कंपार्टमेंट हाँ रिजल्ट आते आते बहुत टाइम बच जाएगा, तो क्या वहाँ हाँ एडमिशन हो सकता है? कहाँ से हो सर मैं बिहार से और एडमिशन? एमएमयू हाँ बिहार में ही? बिहार से थी नहीं सर, मैं बिहार बिहार से बिहार हूँ, एडमिशन एमएमयू अंबाला में लेना था। एमएमयू अंबाला में ना? नहीं ना जी बोल बोल सकते हैं। हाँ कौन ये अनम्यूट नहीं किया? हाँ एमएमयू का, एक सेकंड, शायद था एमएमयू का कनेक्शन कुछ एमएमयू। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अंबाला। ओके हरियाणा में है ना हाँ सर एमएमयू का? तो वो लोग क्या कह रहे हैं, एडमिशन नहीं हो पाएगा? आपने पूछा क्या ऐसे? मैंने उनसे पूछा कंपार्टमेंट के रिजल्ट आते तक, वो बोले सीट्स होगा तब एडमिशन होगा तो हो जाएगा, बट वहाँ मतलब कि क्लासेस स्टार्ट है मतलब 15 जुलाई अच्छा से। ओके ओके, तो फिर कोई दूसरा कॉलेज देख लो अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो। प्लीज हरियाणा में काफी आप कॉलेज हैं, रिकमेंड कर दो, नहीं कहीं भी ऑल इंडिया कहीं भी कोई ऑल प्राइवेट इंडिया कहीं भी कॉलेज चलेगा अच्छा ना? सा। हाँ कहीं भी क्या चलेगा। चाहिए? बीटेक सीएस चाहिए? हाँ बीटेक सीएस है, ठीक है। एक बार आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन, थैंक ताकि कहाँ पे एडमिशन करवाना चाहो करवा देंगे। यू सो मच भैया। ओके वेलकम। मैं कह हेलो रहा सर, था कि आपने कहा कि कल कॉल करेंगे, वो मैं कुछ मैसेज कर दूं क्या आपको कि अगर आप हाँ, भूल गए मैसेज अब? करके रिमाइंड कर दो ताकि मुझे पता रहे किसको किसको कॉलेज एडमिशन चाहिए उसका। या फिर एक काम करता हूँ, ओके जिन लोगों को कॉलेज एडमिशन चाहिए ना, उन लोग हाँ के लिए एक मैं फॉर्म निकाल लूंगा, ताकि सबको लाइन बाय लाइन एक एक मैं कॉल कर दूं, है ना, ताकि सबको हो जाएगा। कहाँ कहाँ कोई है ऐसा, मतलब इतने लोग तो अभी बात किया, किसी को एडमिशन में कोई दिक्कत है जिसको लग रहा है कि कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा चाहिए, या बीटेक करना है सीएससी में ही चाहिए, कोई है ऐसा? चैट में बताना। यस सर हाँ एक दो तो अभी मिल गए, और कोई है यस ऐसा? सर यस सर ओके ठीक है, तो फिर इसके लिए अलग से एक वीडियो निकालना पड़ेगा, दैट विल बी बेटर। ठीक है, भैया, मैं फिर टेक्स्ट कर देता हूँ आपको टेलीग्राम पर अभी। हाँ, टेक्स्ट कर लेना। ओके क्या लिखूँ कि कॉलेज एडमिशन? हाँ, अपना नाम लिख लो, कॉलेज एडमिशन रिलेटेड जूम मीटिंग में बात हुआ था, इतना लिख लो तो मैं ओके समझ जाऊंगा। ओके भैया ठीक है, अभी लिख हाँ देता हूँ फिर। हाँ सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर मेरे मैथ्स में आरटी लग गए हैं, हाँ तो सर मतलब जैसे सीयूटी का फॉर्म भरे थे तो मतलब एग्जाम दे सकते हैं सीयूटी का? सीयूटी का एग्जाम दे सकते हो कॉलेज सिलेक्शन में, फिर वो लोग दिक्कत करेंगे, भले क्लियर हो जाए आपका एग्जाम तो मतलब देके। हाँ एग्जाम तो दे सकते हैं ना हम? हाँ एग्जाम तो दे सकते हो, उस टाइम तक तो कोई वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड ऑल नहीं होता है ना, तो सीयूटी के हाँ एग्जाम तक अगर क्लियर कर देते हो तो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट लेके चले जाना। तो सर मतलब वहां पे कुछ पूछा नहीं जाएगा ना कि हाँ कंपार्टमेंट लगा या फिर रिजल्ट क्या आया 12th का? अपडेटेड रिजल्ट आ गया होगा तो रिजल्ट दिखा देना, वरना बोलना कि कंपार्टमेंट आया था, हम कंपार्टमेंट दिए थे और क्लियर हो गया। अच्छा हाँ हेलो सर, और हेलो हेलो हाँ हाँ अभिषेक, जैसे कि मैम मेरा फिजिक्स में लगाया आती है अभी, तो जैसे मतलब मेरा है ना स्कूल में मतलब पूरा फिजिक्स का कोर्स ही नहीं हुआ था कंप्लीट, ठीक ना? तो मतलब हमारे जो सीबीएसई का जो है बुक फिजिक्स का, हाँ उसमें पार्ट हाँ वन एंड पार्ट टू है, तो मैं मतलब पार्ट टू को कंप्लीट करने के चक्कर में ना मतलब पार्ट वन को ही मतलब पूरा मतलब छोड़ा था। हाँ तो पता है मेरा जो क्वेश्चन था उसमें ओनली पार्ट वन का ही था क्वेश्चन, A to Z, अच्छा और मतलब पार्ट टू का मैं मैक्सिमम एक ही और दो ही था, मतलब मेरा किस्मत देखिए मतलब पार्ट वन का ही था। अच्छा जैसे कि सर अभी अगर हम ओनली एनसीईआरटी को मतलब पूरा डीपली अगर एक एक जो टॉपिक है अगर उसको अगर पढ़ते हैं तो मतलब कितना चांस है कि मतलब निकल जाएंगे हम? चांसेस तो है, एनसीईआरटी से ही आते हैं मैक्सिमम चीजें, प्रीवियस ईयर बना लेना, एनसीईआरटी अगर बना रहे हो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बना लेना तो कॉन्फिडेंस और बढ़ और जाएगा, चांस बढ़ जाएगा। अच्छा, और सर जैसे कि एमसीक्यू का कुछ तरीका नहीं है कि मतलब 18 में से कम मैक्सिमम 15 या 10 वो हो जाए, सही हो जाए?
18 से एमसीक्यू, एमसीक्यू तो यार टू द पॉइंट डायरेक्ट होता है, वो अगर अच्छे से अपीयर करते तभी हो मतलब पाएगा। सही तो सही, सही तो सही, नहीं तो फिर गलत तो गलत। हाँ वही, और बीच में थोड़ी मार्क मिलेगा उसमें, एग्जैक्ट जो और ऑप्शन लिखोगे। जैसे कि सर मेरा है ना मतलब केमिस्ट्री में भी मतलब लगा था आरटी, तो सर वो पता है आरटी के साथ वो हो गया रिप्लेस हो गया। जैसे कि ओके अभी अगर मैं, हाँ तो अभी अगर मेरे को पास अगर होना है तो मतलब ओनली फिजिक्स का देना पड़ेगा फिजिक्स का देना क्या? होगा पास। हाँ फिजिक्स में पास होना पड़ेगा। मतलब सर मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मतलब हम अपना फिजिक्स का निकाल लेंगे पेपर, क्योंकि सर मेरा पता है गलती था कि मतलब स्कूल वाले के चक्कर में मतलब अपना पूरा का पूरा फिजिक्स ही छोड़े थे। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। वही ना सर, मतलब हुआ ही नहीं पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट। तुम अब ओके बताइए सर, अब खुद से मतलब पार्ट टू कंप्लीट करने के चक्कर में फिर ये हो गया। हाँ समझ रहा हूँ। तो जैसे जैसे कि सर अगर मैं मेरे को अगर बीएससी में अगर लेना पड़ेगा एडमिशन, तो कुछ नहीं दिक्कत तो कुछ नहीं होगा। दिक्कत? और जैसे कि सर अगर मेरे को अगर बीसीए अगर लेना है तो कंप्यूटर कोर्स? कंप्यूटर कोर्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। बीटेक में मेन चाहिए कि तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स क्लियर होना चाहिए, पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स क्लियर होना चाहिए। तो जैसे कि सर मेरा है ना मतलब आईटी ये सब है ना मतलब अच्छा है, क्योंकि पता है मेरे को आईटी में 12th मिला है, वो भी सर बिना पढ़े मतलब खुद से दिया हूँ उसका आंसर, उसमें मेरा 90+ है आईटी में। तो मैं मतलब सोच रहा हूँ कि 12th तक तो मैं जितना भी साइंस पढ़ना था पढ़ लिया, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा कुछ नया कुछ जाने, हाँ इसलिए अब सोच रहा हूँ कि मतलब बीसीए ले लूँ। ओके ओके हाँ अच्छा है सर हाँ ओके हाँ बीसीए में सर वो है क्या फील्ड जैसे कुछ मतलब जॉब है कि नहीं सर उसमें बीसीए में? ठीक उसमें भी जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है। है सर, यही डाउट था, क्लियर हो गया। ओके ठीक है ओके सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम। चलो फिर डिस्कशन हमारा ओवर, अभी मीटिंग भी खत्म हो जाएगा 1 मिनट में। आई होप काफी लोग का हो गया, और कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? वीडियोस बना दूंगा, और टाइम नहीं है, मेन 1 मिनट और बचा हुआ है, ठीक है? चलो ये क्वेरीज मैंने नोट कर लिया है, और ये सारे क्वेरीज का, और जिसको कॉलेज चाहिए रिप्लाई दे दीजिएगा। ओके टेलीग्राम पे मैसेज किया है कोई कोई लोग, बता दूंगा। चलो ओके थैंक यू, गुड नाइट।